सभी को, आशा कि आप सभी अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट पेज 20 पर। तो आज है डे 11 और आज जैसा कि आपको पता है कि मार्च का आज लास्ट डे है एंड कल से अप्रैल आ जाना है। तो वैसे मैंने ये चैलेंज मार्च चैलेंज के नाम से स्पेशली स्टार्ट किया था एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये ड्राइंग चैलेंज आर्ट चैलेंज अप्रैल में भी कंटिन्यू रखूं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको लगता है या आपके माइंड में कोई और भी आइडियाज़ हैं कि मुझे आर्ट रिलेटेड ये वीडियोज़ चाहिए या आपको और भी किस टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए वो भी आप ज़रूर बताइए। मुझे बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा कि कुछ नए आइडियाज़ को ट्राई करूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी आई एम श्योर बहुत सारे आइडियाज़ होंगे आर्ट रिलेटेड। तो चलिए आज के इस डे 11 और मार्च के लास्ट डे ऑफ चैलेंज, जो मार्च चैलेंज है उसका लास्ट डे का चैलेंज क्या है। तो हमारा जो आज का चैलेंज है सनराइज। वाह, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसमें दिए जा रहे हैं ना कि मुझे मन कर रहा है ये मैं चैलेंज कंटिन्यू रखूं। मैं करूंगी कंटिन्यू आने वाले समय में, बट आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आप लोगों को ये ड्राइंग चैलेंज आगे कंटिन्यू चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सनराइज। तो इसमें मैं आज नया मीडियम ट्राई करना का सोच रही हूँ। तो आज मैं यहाँ ऑयल पेस्टल कलर से जो है सनराइज को ड्रॉ करूँगी। आप लोगों ने मेरा अगर बाकी ट्यूटोरियल वीडियोस अगर देखा होगा तो उससे रिलेटेड आज ये वीडियोस रहेगा। तो जो कि अगर आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा ट्यूटोरियल वीडियो किस तरह से मैंने स्काई वगैरह ब्लेंड किया, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में मैंने सोच लिया कि मुझे क्या बनाना है तो आज उन्हीं को मैं आज ड्रॉ करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप उस वीडियोस को भी देखिए। तो चलिए अब हम अपना आज का डे 11 मार्च चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का डे 11 चैलेंज जो है वो सनराइज टॉपिक का है, जो कि बहुत लोग ऑलरेडी बना रखे हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए हम आज के डे 11 चैलेंज को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ मास्किंग टेप यूज़ कर रही हूँ आउटलाइन चारों तरफ से कवर करने के लिए, तो एक लास्ट में चारों तरफ से एक फिनिशिंग लुक देगा आपका। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पर इसको यूज़ करने का भी एक तरीका होता है जो कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड तो चलिए मैंने यहाँ मास्किंग टेप चारों साइड से लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर लाइट येलो को यूज़ कर रही हूँ लाइक स्काई का शेड देने के लिए। मॉर्निंग का शेड कैसा होता है स्काई का, येलोइश कलर का होता है। तो पहले मैं यहाँ येलो कलर यूज़ करूँगी और फिर उसके बाद रेड एंड ऑरेंज कलर को मिक्स करूँगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने रेड कलर के साथ ऑरेंज कलर को मिक्स किया है। और फिर यहाँ इसके बाद मैं थोड़ा सा और येलो भी ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा येलो को लाइटिश शेड है, यहाँ थोड़ा उसे डार्क करना है। तो इस साइड से भी मैं रेड कलर को यूज़ करूँगी, फिर यहाँ ऑरेंज कलर को भी यूज़ करूँगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ऊपर के शेड को थोड़ा येलोइश का डार्कर इफेक्ट दिया है। और अब यहाँ मैं माउंटेन ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली ब्लैक ऑयल पेस्टल कलर को ही यूज़ कर रही हूँ। आप भी सेम प्रोसेस के थ्रू माउंटेन ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इसमें आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। जस्ट ऊपर नीचे करके इस तरह से आपको माउंटेंस ड्रॉ करने हैं और नीचे की तरफ जो है आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना होगा,
कि लाइक ये माउंटेन का रिफ्लेक्शन है, फिर स्काई का रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर मैं स्काई का ऑरेंजेस रिफ्लेक्शन देने के लिए मैंने पानी में थोड़ा ऑरेंज कलर यूज़ किया है, थोड़ा रेड यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको कलर का प्रेशर यूज़ नहीं करना है, जस्ट लाइट हैंड से, क्योंकि यहाँ हमें रिफ्लेक्शन दिखाना है मेनली। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे से रेड कलर का डार्कर इफेक्ट दूंगी और इसमें थोड़ा सा येलो भी मिक्स करूँगी। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से पानी पर जो है स्काई का रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट आ रहा है। और एंड में मैं इसे कॉटन बर्ड से इस पूरे पेंटिंग को या सॉरी ड्राइंग को ब्लेंड भी करूँगी। तो और स्काई में थोड़ा सा सनराइज वाला इफेक्ट देने के लिए वाइट को थोड़ा सा मैंने मिक्स किया, बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, बट हाँ सामने से ये थोड़ा सनराइज वाला इफेक्ट दे रहा है। कैमरे में उतना क्लियर नहीं आ रहा है, पर ये आपको थोड़ा सा वाइट ऐड करने पे एक सनराइज वाला इफेक्ट सही से देगा। एंड थोड़ा थोड़ा रेड कलर को डार्क इस पर करना है, लाइक पानी की जो लहरें टाइप होती है ना वो आपका रिफ्लेक्ट होगा। एंड साथ में कुछ बर्ड्स आप ड्रॉ कर दिए जो हम लोग बचपन में क्या करते थे, सिंपल सा वी टाइप में। एंड ये हल्के एकदम हाथ से आपको माउंटेन्स का जो पहाड़ है उसका रिफ्लेक्शन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड लास्टली मैं यहाँ कॉटन बर्ड को यूज़ करके इस पूरे ड्राइंग को ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपको ब्लेंड करना नहीं आता तो आप मेरे पुराने ट्यूटोरियल वीडियोस को देखकर ब्लेंड करना सीख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग।